देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पस्त कानून व्यवस्था और किसानों की बदहाली जैसे कई मुद्दों पर कांग्रेस आज देश भर में राजभवन का घेराव कर रही है। LIC और SBI में आम लोगों के बचाए पैसों को केंद्र सरकार क्यों लगाती है, आज उस अडानी मुद्दे को लेकर भी राजभवन में यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोला। हालांकि राजभवन के मुख्य द्वार पर पहले से ही भारी मात्रा में विरोध को संभालने के लिए पुलिस को कोई तेजी नहीं दिखानी पड़ी, उन्हें गिरफ्तार कर रेड बाजार ले जाया गया। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में लगा है मेला, करिए ईद की शॉपिंग। 22 मार्च है मेले का अंतिम दिन। देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पस्त कानून व्यवस्था और किसानों की बदहाली जैसे कई मुद्दों पर कांग्रेस आज देश भर में राजभवन का घेराव कर रही है। LIC और SBI में आम लोगों के बचाए पैसों को केंद्र सरकार क्यों लगाती है, आज उस अडानी मुद्दे को लेकर भी राजभवन में यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोला। हालांकि राजभवन के मुख्य द्वार पर पहले से ही भारी मात्रा में विरोध को संभालने के लिए पुलिस को कोई तेजी नहीं दिखानी पड़ी, उन्हें गिरफ्तार कर रेड बाजार ले जाया गया। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में लगा है मेला, करिए ईद की शॉपिंग। 22 मार्च है मेले का अंतिम दिन। देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पस्त कानून व्यवस्था और किसानों की बदहाली जैसे कई मुद्दों पर कांग्रेस आज देश भर में राजभवन का घेराव कर रही है। LIC और SBI में आम लोगों के बचाए पैसों को केंद्र सरकार क्यों लगाती है, आज उस अडानी मुद्दे को लेकर भी राजभवन में यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोला। हालांकि राजभवन के मुख्य द्वार पर पहले से ही भारी मात्रा में विरोध को संभालने के लिए पुलिस को कोई तेजी नहीं दिखानी पड़ी, उन्हें गिरफ्तार कर रेड बाजार ले जाया गया। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में लगा है मेला, करिए ईद की शॉपिंग। 22 मार्च है मेले का अंतिम दिन।